हेलो बच्चों, मेरा नाम है दबीर अनवर दानिश। आप लोग प्यार से हमको डैड सर भी कहते हैं। अब एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है। अब एक हफ्ते में आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी कॉलेज से होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, आपके लगभग मार्च अप्रैल में आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारा उनके दिमाग में कुछ चलते रहता है। उन सारी चीज़ों को हम आपको एक छोटे से वीडियो से आपको उसका सारे का सोल्यूशन बता देते हैं। सबसे पहला डाउट जो आप लोगों को होता है कि मार्क्स ज़्यादा कैसे आएगा। तो मार्क्स ज़्यादा आने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्क्स कैसे ज़्यादा आ सकता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने कॉपीज में लिखते हैं अपने आंसर्स को। इसके लिए थोड़ा स्मार्ट आंसर लिखना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, तो उसमें आपको समझना होगा कि न्यूमेरिकल कितना आ सकता है और थ्योरी कितना आ सकता है, वेटेज कितना है। अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा फुल मार्क्स दिलाता है अगर सही हो रहा है तो। थ्योरी हमेशा फुल मार्क्स नहीं दिलाता है, पूरे इंडिया में ये वैलिड होता है। तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल तो पूरा अटेम्प्ट कीजिए और थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा कि अगर आपका सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें तो आपको सिर्फ थ्योरी ही लिखना है, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि उसमें डायग्राम्स हैं क्या। अगर डायग्राम्स है या कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, तो वो ज़रूर बनाइए, क्योंकि वो चार्ट या डायग्राम अगर किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के साथ है तो इसका मतलब है कि वो आप एग्जामिनर को अगर बताएंगे तो उसको समझ में आता है कि आपको ये चीज़ें डिटेल्स में पता है। तो एक तो ये कोशिश कीजिए कि जो भी चार्ट्स डायग्राम्स आपको टेबल साथ में गिवन होता है उसको ज़रूर आप एग्ज़ाम में लिख के आइए थ्योरी के पोर्शन में। दूसरा पॉइंट कि थ्योरी जब आप लिखते हैं तो अगर अलग अलग तरीका है, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं पूरा, जैसे आपके बुक्स वगैरह में थ्योरी लिखा रहता है आप वैसे भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। जितना आप एक्यूरेसी के नज़दीक आप अपने थ्योरी आंसर्स को लिखेंगे पैराग्राफ में, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आने का चांस होगा। इन केस अगर आपको पूरा ग्रामर के साथ आपको अगर नहीं याद है, पूरा लाइन बाय लाइन थ्योरीज अगर आपको नहीं याद है, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप जो पॉइंट्स वाइज उस थ्योरी को लिख दीजिए। पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्रामर्स और आप एंड दिस दैट लगाते हैं वो सारी चीज़ें आपकी हट जाती हैं। अब आप सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं कि जो भी आपके थ्योरी का आंसर हो सकता है, तो पॉइंट बाई पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। ये आप कर सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन के साथ। न्यूमेरिकल में ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आंसर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेज भी लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला आप लिख देते हैं उसके बाद अगर कैलकुलेशन में आंसर रॉन्ग भी हो जाता है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि फॉर्मूला राइट था, कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ है, तो बहुत कम मार्क्स डिडक्ट होता है। ये सारा हो गया आपको जो मार्क्स के लिए स्टूडेंट चिंता करते हैं कि मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं और वो लास्ट नाइट के हिसाब से ही पढ़ाई करते हैं और हमेशा से वो सक्सेसफुल भी होते आए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो लास्ट नाइट की पढ़ाई करते हैं, क्या पता इस सेमेस्टर में वो ना हो पाए। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, एक हफ्ता अभी आपको बचा है पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो आप अभी से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे यकीन मानिए कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपके ही काम का था, आपकी पढ़ाई और किसी के काम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो अब तक हम तक पहुंच रहे थे, आपके बाकी फैकल्टीज तक पहुंच रहे थे, तो कोशिश की है हमने कि एक छोटे से वीडियो में आपको इन सारे डाउट्स का एक प्रॉपर आंसर आपको बता दिया जाए। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम और आपके बाकी सारे फैकल्टीज़ की तरफ से हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। थैंक यू।